सबसे पहले आप इस कमेंट को रीड कीजिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ और आपको बता भी देता हूँ कि इनका क्या कहना है। और इस तरीके के कमेंट मुझे पहले भी आ चुके हैं, जहाँ मुझे इंस्टाग्राम पर भी ऐसे मैसेज आ चुके हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इनका ये कहना है कि जो कैपकट प्रो है उसको हमने प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लिया है और उसके बाद कोई ना कोई इशू उनको आ जाता है। सो पहले तो मैं आपको इतना क्लियर कर दूं कि जब तक इंडिया में कैपकट बैन है, प्ले स्टोर से आप कैपकट प्रो को इंस्टॉल नहीं कर सकते कभी भी। नॉर्मल कैपकट को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, वो तो मैंने इस वीडियो में भी बताया है जो ऊपर आई बटन पे आ रही है। प्ले स्टोर से इंस्टॉल हो जाता है कैपकट, कैपकट प्रो नहीं इंस्टॉल होगा कभी भी प्ले स्टोर से, ठीक है। तो अब मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए जो कैपकट प्रो है या कैपकट है, जब आप कैपकट को यूज करते हो वहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट्स जो एनिमेशन आते हैं उनके ऊपर प्रो लिखा होता है और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये हमने कैपकट प्रो को इंस्टॉल कर लिया है। क्योंकि इंस्टाग्राम पर मुझसे किसी क्रिएटर की बात हो रही थी तो उसने मुझे बोला कि ये देखिए प्रो लिखा आ रहा है और ये प्रो है, तो ऐसा नहीं होता। ये मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जिनको नहीं पता, ठीक है, इस चीज के बारे में। प्रो लिखा होता है जब हम उस इफेक्ट या एनिमेशन को अपनी वीडियो में यूज करने लगते हैं तो वहां पर हमसे पैसा मांगा जाता है, मतलब सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा हमें, तब हम उस एनिमेशन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया, जिनको नहीं पता ये चीज मैं उनको बता रहा हूँ। और मैं आपको एक और बात कहूंगा कि देखो जो कैपकट प्रो है उसको आप इंस्टॉल कर ही नहीं सकते कभी भी, ठीक है। प्ले स्टोर से तो आप इंस्टॉल कर ही नहीं सकते, बस आप इतना कर सकते हैं कि क्रोम ब्राउजर पे जाकर आप कैपकट के लेटेस्ट वर्जन जो आते हैं उनको इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी एपीके मोड को। तो आप कोई गलती ऐसी मत कर देना जिससे आपके फोन पे हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ जाए, ठीक है। तो कोई मुझे मैसेज कर ये कह रहा है कि कैपकट प्रो को मैंने इंस्टॉल कर लिया इस वेबसाइट से, लेकिन मुझे ये इशू आ रहा है, वो इशू आ रहा है। देखो कैपकट आप कहीं से भी इंस्टॉल कर लो, आपको कोई ना कोई इशू रहेगा उसमें, ठीक है। जब तक इंडिया में ये बैन है, आप वीपीएन का यूज करोगे तो थोड़ा बहुत इशू रहेगा ही रहेगा कैपकट में, वो चाहे कोई भी वर्जन हो आपको इशू रहेगा, जैसे कि नो इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम या आपको लैगिंग की प्रॉब्लम या ऑडियो फाइल्स का जो क्रैश हो जाती है, ऐसा थोड़ा बहुत कभी ना कभी आपको इशू आता रहेगा, ठीक है। तो मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, इसके पीछे एक और रीजन भी है कि मेरे से बूस्टर वीपीएन का लिंक अभी तक मांगा जा रहा है, जो कि अब प्ले स्टोर पे आ चुका है बूस्टर वीपीएन। आप प्ले स्टोर पे सर्च करोगे बूस्टर वीपीएन तो वहां पर आपको बूस्टर वीपीएन मिल जाएगा। अभी तक काफी मैसेज आ रहे हैं बूस्टर वीपीएन के, वैसे ये क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा वीपीएन है, ये आप कैपकट का कोई भी वर्जन यूज कर लीजिए उसमें सही वर्क करता है बूस्टर वीपीएन। यार अब आपसे रिक्वेस्ट है कि कैपकट प्रो के लिए मुझसे ना तो लिंक मांगा जाए, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है, लिंक मैं आपको नहीं दे सकता कैपकट प्रो का, क्योंकि कैपकट प्रो का लिंक मिल ही नहीं सकता, ठीक है। तो आई होप कि अब आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि कैपकट जो फ्री में अगर आप यूज करना चाहते हो तो आप उसके एपीके मोड ही यूज कर सकते हो, ठीक है। कैपकट प्रो आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है, प्ले स्टोर पे तो मिलेगा ही नहीं जब तक इंडिया में बैन है, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया। सो रिक्वेस्ट है एक बार फिर से कि अब आप लोग ऐसे मैसेज मुझे नहीं करोगे कि कैपकट प्रो हमें चाहिए फ्री वाला, प्ले स्टोर से उसको कैसे इंस्टॉल करना है। तो ये सब बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं मुझे इंस्टाग्राम पर, तो एक बार सोचा मैं ये वीडियो बनाकर क्लियर कर दूं, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि कैपकट प्रो हम प्ले स्टोर से इंस्टॉल नहीं कर सकते, हाँ अदर वर्जन हम उसका प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी एक मेथड अप्लाई कर। और वो मेथड क्या है वो मैंने इस वीडियो में बता रखा है, ऊपर आई बटन पे आप देख सकते हैं, इस पे क्लिक कर, ठीक है। और जब कोई मुझे ऐसा जुगाड़ मिल जाएगा कि आप कैपकट प्रो को इंस्टॉल कर सकेंगे प्ले स्टोर से या कहीं से, तो मैं वो वीडियो जरूर बना दूंगा, इस पे मैं रिसर्च करूंगा। अभी कुछ टाइम ही ऐसा चल रहा है कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, तो अगर कुछ ऐसा होगा कैपकट प्रो के लिए और मैं फिर आपको वीडियो बनाकर वो बता दूंगा कि आप कहां से इंस्टॉल कर सकते हैं कैपकट प्रो को। बट उसमें भी ये है कि आपके फोन पे जो आप फोन यूज करते हो उस पे कोई भी हार्मफुल इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा जुगाड़ कर लेकर आऊंगा आप सबके लिए बस कुछ ही दिनों में, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपके माइंड में अभी भी कोई डाउट चल रहे हैं तो वो आप पूछ सकते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।